नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल। और इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह साथ ही बता दें कि लाइव लेकर चलते हैं। और इसी के साथ हमारे संवाददाता मोनू हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, और साथ ही आपको बता दें कि जगदीश प्रजापति कालावाली से जुड़े हैं। मोनू, सबसे पहले आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी कि अभी फरीदाबाद में कैसी हलचल है, राजनीति को लेकर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ खास होने वाला है आज? तनिष्का, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जिस तरीके से परसों जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए, उसके साथ ही जो है कल जो है जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, उन्होंने जनसंवाद यानी कि मुख्यमंत्री की तरज पर ही जो है जनसंवाद जो है यहाँ पर अपने जो फरीदाबाद इलाके में किया था, यानी कि तिगांव विधानसभा में जो है जो जनसंवाद को लेकर के काफी चर्चाओं में आज जो है बाजार गर्म है इस राजनीति का। जिस तरीके से लगातार उन्होंने कई गाँव के दौरे किए और कई गाँव में दौरे करने के बाद जो है जनसंवाद किया, जनसंवाद में जो लोगों ने समस्याएं ज्यादातर रखी उन समस्याओं को टाइम पे निदान जो है यहाँ पर कर दिया गया। और उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि तबिश्का की कई जो है अधिकारियों को जो है चेतावनी दे करके छोड़ दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो जो बिजली के जो जेई थे तिगांव के लोगों का यही कहना था कि जब जेई के पास हम फोन करते तो वो फोन नहीं उठाते और उनकी समस्याओं का बिजली का हल नहीं करते, तो उसको लेकर के जो है जेई में फटकार लगाते हुए साफ तौर पर देखे गए और साथ ही साथ चेतावनी भी यहाँ पर दी गई। उसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या रही है कोराली गांव की, जो कि सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की चार बाउंड्री दीवार यहाँ पर होनी थी, क्योंकि गांव के लोगों ने कहा था कि हमारे स्कूल की चारों तरफ की बाउंड्री जो है वो टूटी हुई है, किसी तरीके का कोई निदान यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ ही मैं बताऊं कि शिक्षा अधिकारी के जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि सरकार की तरफ से उस चार बाउंड्री दीवार का पैसा भी आया और पैसा वापिस चला गया। आखिर पैसा वापिस क्यों गया, इसके जो है जांच के आदेश दिए हैं और शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दोबारा से कार्य करने की शुरुआत करने की बात यहाँ पर कही है। तो कई जो लगातार देखा जा रहा है कि तब इसका फरीदाबाद की जो राजनीति है वो बिल्कुल आज कल के संवाद को लेकर के आज गरमाई हुई है, और तमाम जो नेता है, विपक्षी जो लोग हैं, विपक्ष के नेता लगातार जो है बीजेपी पर हमला करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि उनका बयानबाजी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जा रहा कि कहीं ना कहीं सरकार पर अभी अफसरशाही जो है हावी होता हुआ साफ तौर पर नजर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान है, अपनी समस्याएं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सरकार पर अभी भी जो अफसरशाही है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अब जो सब्जियों के दामों की बात की जाए तो जिस तरीके से जो मानसून के चलते जिस तरीके से मानसून खत्म होता हुआ लगातार दिख रहा है, तो उसके चलते सब्जियों के दाम अब बिल्कुल कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टमाटर की बात की जाए तो 30 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। और उसके साथ ही मैं बताऊं कुछ दिनों पहले जो है टमाटर 150-250-300 रुपए किलो तक बिक रहा था। तमाम सब्जियों के अब रेट जो है बिल्कुल सही दामों में बिक रहे हैं और लोगों की रसोई तक जो है बजट वो बना हुआ है। उसके साथ साथ मौसम की बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम का जो बदलाव तब इसका देखा जा रहा है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं बीमारियों के उत्पन्न होने की यहाँ पर सबसे ज्यादा शिकायतें देखी जा रही है, चाहे वो बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, इस तरीके की तमाम जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और डीसी की तरफ से यानी कि चेतावनी और की राजनीति की बात की जाए तो वहां पर इस तरीके से वहां पर पहले ही विपक्ष की तरफ से काफी बयानबाजी हो रही है, और अभी आपने बताया कि सब्जियों के दाम भी कम हुए, जहां पर जनता थोड़ी खुश होती है जरूर नजर आएगी। जगदीश की तरफ करना चाहूंगी। जगदीश, फिलहाल कालावाली की बात की जाए, वहां पर राजनीति हलचल कैसी है और बाकी और समस्याओं की बात की जाए और क्या कुछ वहां पर आज खास होने वाला है? सबसे पहले बात करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कालावाली और डबावाली आए तो उनकी सामने एक चिट्ठा की समस्या, जो नशा था उसकी समस्या काफी जो लोगों ने उठाई और उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद में भी सरकार विपक्षी लोगों ने भी सरकार को घेरने का काम किया गया। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा डबावाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा कर दी गई। अभी जैसे फिलहाल 3 महीने तो बीच बीच चुके हैं लेकिन पुलिस जिला नहीं बनाया, लेकिन कवायद जरूर शुरू हो गई है। उसको लेकर आज तरुणी ग्रुप के जो अध्यक्ष सिकंदर सिंह रोड़ी को उनकी ओर से ऐलान किया गया है कि वह 13 तारीख को रोड़ी पुलिस थाना के आगे जो है धरना लगाएंगे, उसका घेराव करेंगे। उनकी मांग है कि डबावाली रोड़ी पुलिस थाना है उसको डबावाली में शामिल ना किया जाए, कालावाली पुलिस जिला बनाया जाए, क्योंकि कालावाली सेंटर में पड़ता है और सभी थानों को
छूटा वाला कहीं ना कहीं बात लेकर पहले भी जो है लोगों की ओर से मांग उठाई जा रही थी कि डब्बावाली को अभी कालाबाली को पुलिस जरा बनाई, क्योंकि कालाबाली में नशा ज्यादा मात्रा में बिक रहा है और कहीं ना कहीं जो जुबा है जा रहे इस बात को लेकर ऐलान कर दिया गया है। और आम लोग भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर डब्बा रोड़ी जो है थाने का घेराव करने का काम उनकी ओर से किया जाए। वही अगर बात की जाए नई आई पुलिस कप्तान की, जो सिरसा के नए पुलिस कप्तान आए हैं, तो उनकी ओर से जरूर सख्त नजर पुलिस कर्मचारियों को दे दिया गया है, क्योंकि जो काम में कोताही बरती गई तो उनकी खैर नहीं होगी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट आकर गया है, रोज देखने को मिलता है डबावाली अलावा रोज सिरसा कालावाली कहीं ना कहीं जरूर जो जीवन जटिलता का काम करते हैं, एक दो जो पर्चे हैं पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस नशा घोरों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अगर बात की जाए राइटिकल चलती तो राइटिकल से को लेकर कल भी देखने को मिला कि सिरसा में सिरसा के जो भाजपा नेता है गोविंद काटा 200 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा परियोजना का उद्घाटन किया, और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है, गांव गांव जाकर बिजली के बिलों को लेकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक शिवपाल केड़ावाला भी लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं और लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा अन्य पार्टियों से ज्वाइन करवाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। वही अगर किसानों की बात की जाए तो कल देखने को मिला कि रानिया के किसानों के किसान एकत्रित हुए, उन्होंने नाईवाला बालासाहेब गरीब चैनल से केंद्र तक सारी नए पहुंचने को लेकर वो प्रदर्शन किया, और आज जो है किसान एकत्रित होंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन उनकी ओर से दिया जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि बिजली पानी उनको सही ढंग से नहीं मिल रहा, इस बात को लेकर किसान जरूर रोज देखे जा रहे हैं जिस विषय का। तो कालावाली में भी आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक हलचल देखी जा रही है और आमजन भी काफी परेशान नजर आ रहा है। तो फिलहाल मोनू आपका भी और आप जगदीश आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।